कंसेंट्रेशन की ना, अब मान ले इस फेस की हमें क्या करनी है इस सर्कल के रिस्पेक्ट में, और इस सर्कल की क्या करना है रनआउट चेक करना है इस कंपोनेंट का, ठीक है। रनआउट चेक करने के लिए क्या करते हैं, एक मैंड्रिल लेंगे, रनआउट जब भी चेक करते हैं ना तो दो सेंटर को पकड़ के चेक करते हैं, जैसे कि इसमें क्या कर लिया, ये हमने इसमें शाफ्ट में ये कंपोनेंट डाल दिया, ध्यान रहे कि इसमें प्ले ना हो, ठीक। जब भी हम इसको लगाएंगे बेंच सेंटर में, बेंच सेंटर में लगाने के लिए क्या करेंगे, ये जो सेंटर है ना इन दोनों सेंटर को पकड़ता है, जैसे ऐसे पकड़ लेगा, ये हमें डाला ऐसे, और इसको जब हम थोड़ा एडजस्ट करके लगाएंगे इसको आगे का थोड़ा, ठीक है। अब ये क्या किया, अब इसने जो पकड़ा हुआ है वो क्या किया है, दो सेंटर को पकड़ लिया। अब जहाँ भी हमें रनआउट चेक करना होगा ना वहीं हमें डायल लगा देना है, डायल में जितना प्लस माइनस जो आता है रिफ्लेक्शन जीरो पे सेट करने के बाद वही हमारा क्या आएगा रनआउट। अब मैं बात करूँ टोटल रनआउट चेक करना है, इस पार्ट का नहीं करना, पार्ट को हटा दिया। अब मैं कह रहा हूँ इस ये जो शाफ्ट है इसका टोटल रनआउट चेक करना है। टोटल रनआउट करने के लिए क्या करेंगे, हमने इसको क्या कर लिया, मार्क कर लिया, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, हमने क्या कर लिया तीन चार पाँच जगह पे मार्क कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस फेस इस मार्क पे, इस मार्क पे, इस मार्क पे, इस मार्क पे और इस मार्क पे क्या करेंगे रनआउट चेक करेंगे। अब मान लो यहाँ पे आया माइनस में 10 माइक्रोन, प्लस में 20 माइक्रोन, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कुछ आया, यहाँ पे कुछ आया, यहाँ पे कुछ आया। अब टोटल रनआउट चेक करने के लिए ये नहीं कि हम कंप्लीट को जोड़ देंगे, यहाँ पे जिस पॉइंट पे मैक्सिमम माइनस साइड में और मैक्सिमम प्लस साइड में जो आएगा उन दोनों को ऐड करना है। मान लीजिए यहाँ पे माइनस में 10 आया और यहाँ पे आया माइनस में 20 और यहाँ पे आया माइनस में 5 और इस पॉइंट पे आया प्लस में 50, तो हम क्या ऐड करेंगे, हाईएस्ट पॉइंट जो प्लस में आया है चारों में से वो, और माइनस पॉइंट जो हाईएस्ट जो आया है चारों में से वो, माइनस माइनस का 20 हाईएस्ट पॉइंट है और प्लस का 50 हाईएस्ट पॉइंट है, दोनों को ऐड करेंगे तो 50 और 20 70, टोटल रनआउट हो गया 70 माइक्रोन का, ठीक है। अब इसमें डायल में नीडल है नहीं, ये तो इसमें नीडल लगा के भी मैं आपको बता देता। अब मैं बात करता हूँ कि कंसेंट्रिसिटी में क्या डिफरेंस है, ठीक है, तो पीछे हटाया जी आपका। कंसेंट्रिसिटी में क्या करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी हम इस सेंटर के रेस्पेक्ट में, अगर मैं बात करूँ इस सेंटर के रेस्पेक्ट में इसकी कंसेंट्रिसिटी हमें चेक करनी है। कंसेंट्रिसिटी क्या होती है, आप अगर किसी को डेफिनेशन नहीं पता ना, एक सिंपल लाइन में एक बोल दो, कंसेंट्रिसिटी दो या दो से अधिक सर्कल का एक कॉमन सेंटर होना वो कंसेंट्रिसिटी कहलाता है। इससे ये पता जाए कि हाँ बंदे ने काम किया है, तुक्का नहीं मारा इसने, ठीक है भाई। कंसेंट्रिसिटी क्या होता है, एक सर्कल ये है हमारा, एक सर्कल ये है, इन दोनों का कॉमन सेंटर वही तो होता है इसका, वही तो होगा ना कंसेंट्रिसिटी, तो वो होता है हमारा कंसेंट्रिसिटी, ठीक है। अब उसको सीएम पे ना चेक करके मैनुअल चेक करना है। कंसेंट्रिसिटी क्या होता है कि उसको ना हम एक डेटम के रेस्पेक्ट में चेक कर सकते हैं, मान लो ये हमारा एक सर्कल है, ये डेटम है, और इसके रेस्पेक्ट में इस सर्कल की जो ये काउंटर है इसकी क्या करनी है, कंसेंट्रिसिटी चेक करनी है, ठीक है। लेकिन रनआउट के केस में क्या होता है, वो दो डेटम के रेस्पेक्ट में मांगता है, एक ये डेटम, एक ये वाला डेटम, तो इन दोनों डेटम के रेस्पेक्ट में मांगता है, इसलिए हमें इन दोनों डेटम के सेंटर को हमें लोकेट करना पड़ा था यहाँ पे, ठीक है। मैंड्रिल डाला और दोनों को, अब दोनों सेंटर को हमने क्या कर लिया, लोकेट कर लिया, और जहाँ भी हमें रनआउट चेक करना है, चाहे फेस का करना हो चाहे सर्कल का करना हो, हम इसके पार्ट के सेंटर से हमने वहीं से हम इसका क्या कर देंगे, इसको घुमा देंगे, तो जो डिफ्लेक्शन आएगा वो हमारा नॉट हो जाएगा। लेकिन कंसेंट्रिसिटी क्या होती है, वो एक डेटम के रिस्पेक्ट में भी चेक हो जाती है, यानी कि इसके सेंटर से इसका सेंटर में भी चेक हो जाती है। तो उसको मैनुअली करने के लिए क्या करेंगे, पार्ट को डाला, ठीक है, ध्यान रहे कि ज़्यादा प्ले ना हो, ठीक है, पार्ट को डाला, सिंपली वी ब्लॉक पे रखा, ठीक है, और वी ब्लॉक पे रखा, और यहाँ पे इस सर्कल पे इस पॉइंट पे हमने क्या किया, डायल को जीरो कर लिया, ठीक है। अब इस डायल पे हम घुमा देंगे, इस पार्ट को हम घुमा देंगे, जितना डिफ्लेक्शन आएगा वो हमारी क्या हो जाएगी, कंसेंट्रिसिटी। अब रनआउट में और कंसेंट्रिसिटी में क्या डिफरेंस निकला, कि रनआउट जब भी चेक करते हैं तो वो दो डेटम को पकड़ लेता है, यानी कि दोनों पार्ट के ये सेंटर को भी और पार्ट के इस सेंटर को भी, दोनों सेंटर को बेंच सेंटर में हम दोनों सेंटर को पकड़ लेते हैं तो रनआउट चेक करते हैं। लेकिन जब हम किसी एक सेंटर को, अब हमने ये क्या कर लिया, सिर्फ एक सेंटर को पकड़ा है हमने, यानी कि कंप्लीट सेंटर को हमने होल्ड कर लिया, लोकेट कर लिया। अब इसको जीरो मान लिया हमने, इस सर्कल को जीरो मान लिया, ऐसे जीरो मान के हम जब हम यहाँ पे डायल रख के जब चेक कराएंगे, ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा, कंसेंट्रिसिटी। जिस सर्कल को पकड़ा है उसके रेस्पेक्ट में इस सर्कल की कंसेंट्रिसिटी। और सिलेंड्रिसिटी और सर्कुलरिटी भी एक चीज़ होती है। सिलेंड्रिसिटी और टोटल रनआउट दोनों एक टर्म है, लेकिन रनआउट में क्या करते हैं, जब हम रनआउट में हम डेटम को लोकेट करते हैं सेंटर को, लेकिन कंसेंट्रिसिटी में भी हम सेंटर को लोकेट करते हैं, लेकिन सिलेंड्रिसिटी और सर्कुलरिटी केस में हम क्या करेंगे, उसमें डेटम की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। सिंपली इसको वी ब्लॉक पे रखो और वही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दो। सिलेंड्रिसिटी में टोटल रनआउट वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दो और सर्कुलरिटी केस में रनआउट वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दो। यहाँ पर किसी एक पॉइंट पर डायल को जीरो करो और इसको पकड़ के ऐसे से घुमा दो, जो डिफ्लेक्शन आए वो हमारा सर्कुलरिटी हो गई। सिंपल, ठीक है। अब एक वीडियो में आपको ये पता लग गया कि इसमें सिलेंड्रिसिटी में क्या डिफरेंस है, सर्कुलरिटी में क्या डिफरेंस है, कंसेंट्रिसिटी को मैनुअली कैसे चेक करेंगे, और रनआउट और टोटल रनआउट। ठीक है, ठीक है। ये सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट था। सेव कर लीजिए।